हम जी राधे गिरे स्वयं थारो स्वागत है। आज मैं बेसन का लड्डू बनाऊंगी दूसरी तरीका से। दो तरीका से पहले दे चुकी हूँ, आज था तीसरा तरीका से बेसन का लड्डू बनाना बताऊंगी। तो मैं बेसन ली हूँ एक बड़ी कटोरी, उनका चौथा हिस्सा की सूजी, ताकि सूजी से दरदरा पना हो। और आटे ली हूँ मैं कच्चो नारियल, कच्चा नारियल ने छील के और कट कर चुकी हूँ। और ये थोड़ा ड्राई फ्रूट ली हूँ। और एक कटोरी चीनी की है, जितनों मतलब मैं बेसन और सूजी ली हूँ उसे एकदम आधी चीनी ली हूँ। और थोड़ा दूध ली हूँ कि नारियल ने पीसूंगी तो एकदम लिक्विड बनाना हो, पीस कर एकदम बारीक पीसना है। फिर था ना आगे मैं दिखाऊं कि तरीका से मैं तैयार करूँ लड्डू प्रसाद। ये दूध डाल के पूरा मैं पीस के एकदम तैयार कर ली हूँ। अब मैं इन्हें कटोरी में निकाल लूंगी और निकालने के बाद में मैं इसे ही इन्हें बेसन ने तैयार करूंगी एकदम। वो निकाल के तैयार कर दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डालता हुआ बेसन ने तैयार करना हो ताकि एकदम टाइट टाइट बेसन तैयार हो। छोटी छोटी रेसिपी रहे सादा सिंपल इनने से देखा करो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराया करो जरूर। ये देखो इस तरीका से इनने पूरा हाथ से मसलता हुआ रेडी कर लेना है एकदम। और रेडी करके इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना। कितना बढ़िया से तैयार हुए, इकट्ठो करके छोड़ देना हो। बेसन है इसलिए चिपका वो चारों तरफ, तेल की को हाथ भी थे लगा सको। वह नारियल में चिकनाहट है, मैं छोड़ दे रही हूँ 5 मिनट के लिए, उसके बाद बताऊँ आगे की करना है। ये मैं तवा के ऊपर थोड़ा घी डालकर और ये जो ड्राई फ्रूट है इनमें सब मैं हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँ। हल्का सा गर्म करना है, ज्यादा नहीं करना ताकि लड्डू के बीच में दरदरा पिसिया हो या आवाज आवे कर कराहट की तो अच्छा लगे। हल्का सा भून लेना हमने, ये सब हल्का सा भून चुके हैं, मैं इन्हें हटा ले रही हूँ। और अब जो ये बेसन तैयार करी हूँ मैं, ये बेसन से मैं 2 बराबर भाग करूंगी और एकदम गोल करता हुआ और हल्का सा हाथ से भी कर सका है ना, और या बेलन की सहायता से भी कर सका हा। इस तरीका से करता हुआ थोड़ा बड़ो बड़ा लेनी है और इन्हें तवा पे मध्यम आंच पे सेकूंगी मैं एकदम इस तरीका से। अगर हाथ से नहीं हुआ तो थे चकला बेलन से भी कर सकू हूँ, मैं हाथ से कर ली हूँ इन्हें, बहुत बढ़िया से हुआ है। ये देखो ये बेसन का लड्डू बहुत जबरदस्त बनेगा शुद्धता से। इस तरीका से मैं इन्हें तवा पे डाल के और इन्हें थोड़ा इस तरीका से दबा दूंगी ताकि फूले नहीं, फूलो नहीं है रोटी ना एकदम। और मध्यम आंच पर सेक लो एकदम करारी करारी। सेकने के बाद दिखाऊं मैं थाने कितनी बढ़िया से सीखेगी। हर जगह हाथ से कर देना हो। फिर ये दूसरी साइड से और ये दूसरा पीस में मैं देखो बेलन से बेल के तैयार कर रही हूँ। हाथ से भी कर सको बेलन से भी कर सको, इस तरीका से करता हुए और एक अंदर वही अंगूठा से दबा देना है और फूलने नहीं देनी है एकदम भी। इस तरीका से कर देना है ताकि फूलने नहीं। और मैं इनके ऊपर तवा पे ही घी लगा के इन्हें तैयार करूंगी, बहुत बढ़िया से घी लगाना है। और घी लगा के मध्यम आँच पे सेकना है एकदम शुद्ध चीज तैयार होगी, ना कोई मिलावट है और ना कोई तेल है। देखो कितना बढ़िया से सीखे इस तरीका से सेक के तैयार करना है मध्यम आँच में। दोनों ने सेक के तैयार कर ले के एकदम रेडी है। अब मैं गैस ने ऑफ कर दूंगी। एक रोटी का मैं टुकड़ा बना चुकी हूँ इस तरीका से और इन्हें ठंडा करके मैं मिक्सी का जार में पीसूँ। इन्हें भी तोड़ के एकदम ठंडो कर लेना है। तो बढ़िया से दरदरों पीस कर तैयार है। अब इन्हें ठंडो करके और इनका लड्डू बना के दिखाऊंगी थाना। ये जो ड्राई फ्रूट था ये मैं मिक्स कर रही हूँ और जो चीनी है उन्हें भी अब पूरा ने बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में चीनी मिक्स जब हो जाएगी उनके बाद घी मिलाना है। बहुत बढ़िया से चीनी ने मिक्स करनी है पूरी मसल मसल कर और अभी के अंदर घी डाल लो। लड्डू तो इसे भी बन सके हैं लेकिन थोड़ा घी डालना है ताकि टेस्ट और गजब हो। इस तरीका से ये बेसन वाला लड्डू बनाने को मैं थाना तीसरा तरीको दिखाई है, थे पहली वाला भी जरूर देखियो और शेयर करया करो, लाइक करो मत भूलया करो, एक अंगूठा से लाइक कर दिया करो थोड़ा सा।
यो मिक्स एकदम तैयार हो चुकी हूँ। अभी से मैं लड्डू बना के तैयार करूँ। देखो कितना बढ़िया से लड्डू तैयार हो रहे हैं, एकदम गोल गोल। देखो इस तरीका से सब बांध के तैयार कर दूंगी मैं अभी। ये सब लड्डू तैयार हैं एकदम, वही माप में थे, जरूर बनाए लड्डू। और मैंने कमेंट करके बताया करो कि थारा लड्डू कहाँ का बने। ये देखो कितना बढ़िया से एकदम सजाती हूँ मैं डिब्बा में, रेडी है भोग प्रसाद के लिए। तो हनुमान जन्मोत्सव पे थे जरूर ये बेसन का लड्डू हनुमान जी ने खिलायो। इस तरीका से बनाकर